बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट के पेपर में सवालात कहां से आए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र के टेस्ट में सवालात कहाँ से आए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर आप नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस दोनों पेपरों में जितने भी MCQs आए, उनके ऑप्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर रख लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस किस्म की आगाही से आगा रहें, ठीक है। इंशाल्लाह चैनल को साथ मुंसलिक रहेंगे तो मैं ऑलरेडी ये दो पेपर जो है अपलोड कर चुका हूँ और मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह पेपर अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फील्ड असिस्टेंट पेपर के, जो 8 जुलाई को मुनक़िद किया गया, कि ये सवालात कहाँ से आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं, ये सवाल भी दिया गया था फील्ड असिस्टेंट के पेपर में, जीटी स्टैंड फॉर, ठीक है, जीटी रोड स्टैंड फॉर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया गया था। आप इसमें ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऑप्शन थे। ये भी क्वेश्चन जो है मौजूद था, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे, ये भी क्वेश्चन मौजूद था, ठीक है, आपने देखा होगा। ये भी क्वेश्चन मौजूद था इस्लामियात रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ रिलेटेड ये क्वेश्चन भी मौजूद था, जनरल नॉलेज रिलेटेड ये भी क्वेश्चन मौजूद था। ये क्वेश्चन आप देख लें, इंग्लिश पार्ट क्या, ये एंटोनियम भी मौजूद था उसमें, ये भी एंटोनियम जो है पूछा गया था। फ्रेंड्स, तकरीबन 25 से 30 पेजेस मैंने देखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन थे, इसी बुक से लिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। ये ज़ारा सीरीज़ की एक बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तकरीबन सारे सवाल, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 50% पेपर जो था ये इसी से बनाया गया था, फील्ड असिस्टेंट BPS 11 का, ठीक है। अब सेकेंड पेपर जो है उस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड पेपर जो है फ़ोटोग्राफ़र का, ये 9 जुलाई को हुआ और इसमें जो सवालात आए वो एक वेबसाइट से आए। मैं ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को बताया था, एक मतलब उनको सजेशन दी थी कि आप इसी से तैयारी करें। शायद आप जिन दोस्त मेरे मतलब परमानेंट वाचर हैं, वो इस बात की गवाही भी देंगे कि मैंने उनको बताया था, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को बताया था जिन्होंने इंशाल्लाह देखे होंगे तो मुस्तकबिल में, या उन्होंने अगर उनका पेपर हो चुका है तो उनको उनका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, उस वेबसाइट का बताने के लिए आप अपने मतलब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल में जाएंगे और वो क्वेश्चन मतलब जो आपके पेपर में आया था फोटोग्राफ़र के, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, टाइप करेंगे और फौरन ही वो वेबसाइट आएगी। मैंने तकरीबन चेक किए हैं, तकरीबन मैं कहता हूँ कि अगर 70 MCQs थे ना, तो तकरीबन 50 MCQs जो थे वो उसी वेबसाइट से लिए गए और बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें कि मैंने एक क्वेश्चन जो है सर्च इंजन में इसे टाइप कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल ये मतलब फ़ोटोग्राफ़र के मतलब पेपर में पूछा गया, जनरल नॉलेज से था। तो आप ऊपर की तरफ इससे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखें, ये पाक MCQs में से, ठीक है, बिल्कुल आप देखें। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स देखें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है ना। ये देखें बिल्कुल आपके, आप ऑप्शन भी चेक कर लें, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें देखें, ठीक है, मुकम्मल चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपके पास 4 से 5 दिन है, मतलब UDC LDC और असिस्टेंट वालों के पास, तैयारी करें, इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स आएंगे आपके। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं सर्च कर रहा हूँ, ये इस्लामियात के रिलेटेड है फ्रेंड्स, हाउ मैनी तकबीर आर इन नमाज जनाजा। तो आप देखें, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये भी पाक MCQs से सवाल दिया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इंशाल्लाह इनकी जो मतलब ऑप्शंस हैं वो भी चेंज नहीं होंगे।
तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये जवाब मौजूद है, फिर इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी मौजूद है। तो लाजमी इंशाल्लाह इससे तैयारी करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये तो आपको मैंने मतलब फॉर एग्जांपल ये चीज़ें आपको दिखाई हैं। आप ख़ुद इंग्लिश पार्ट के भी अगर एमसीक्यूज चेक करना चाहते हैं तो चेक करें। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि इंग्लिश में से भी पाक एमसीक्यू से क्वेश्चन लिए गए, जैसे प्रपोजिशन थे, सिनोनिम एंटोनियम थे, ठीक है। तो लाजमी वाच करें इनको, इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतर से बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ये दोनों वो गाइड भी ले लें अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके कुछ पेजेस मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर मतलब मेरा नंबर जो है वो मौजूद है, आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो पेजेस, कुछ पेजेस जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो भी देख लें, शायद उनके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज जो है मुस्तकबिल के पेपर में आ जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसंद आ जाएगी। इंशाल्लाह जितनी भी नॉलेज होती है मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचे। इसके साथ इसके लिए आपको चैनल के साथ मुंसलिक रहना पड़ेगा इंशाल्लाह, नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप जो है मुकम्मल आगाही से आगा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हमनासर वसलाम, अल्लाह हाफिज़।